हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बैंक की जो कि प्राइवेट बैंक, इसके बारे में। यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते आपका रिज्यूम यहाँ पर अपलोड करना, तो इसके आपको रिज्यूम अपलोड करने के बाद आप लोगों को यदि अगर आपका रिज्यूम सिलेक्टेड होता है फॉर द देयर कोई भी जॉब के लिए मैच होता है, तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ से बुलाएंगे फॉर द इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप रिज्यूम अपडेट कर सकते हैं फेडरल बैंक के वेबसाइट में। इसके साथ साथ क्या फॉर्म फिलअप करना होगा इस बैंक के लिए अगर काम करना चाहते, सब कुछ बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द लेटेस्ट जॉब इंफॉर्मेशन वीडियोज़। तो दोस्तों, पहले आपको क्या करना होगा, फेडरल के ये जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है इसको आपको ओपन करना हो। इसके लिए मैं इसका जो लिंक है इसका लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके डायरेक्टली जो कि अप्लाई कर सकते हैं, इस पेज में आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस पेज के आने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन जो कि आपको पढ़ना होगा। तो दोस्तों, मैं तो पढ़ चुका हूँ, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ इस पेज में आके एक बार पढ़ लेना पूरा डिटेल्स में। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसमें यहाँ पे जो प्रोसेस लिखा हुआ है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक फॉर्म आएगा, जिस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। तो फॉर्म को फिलअप करना होगा। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको रिज्यूम जो कि है आपके रिज्यूम सबमिट कर देना होगा। रिज्यूम सबमिट करने के बाद आपको, अगर मैं पहले ही बोला जो कि अगर रिज्यूम कोई भी आपका रिज्यूम अगर कोई भी जॉब से मैच करता है तो आप लोगों को जो कि बुलाएंगे इस जॉब के तरफ से। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा फॉर देयर पोस्ट। तो दोस्तों, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा बहुत स्लो होने के वजह से यहाँ पे जो मेरा पेज है थोड़ा देर से ओपन हो रहा है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो पेज है यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फेडरल बैंक योर परफेक्ट एंड बैंकिंग पार्टनर ऑनलाइन रिज्यूम से अपडेट करने के लिए एक पेज आया है। तो दोस्तों, आपको ये पेज आपको फिलअप करना होगा। तो पेज में क्या क्या है मैं वन बाय वन आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट जो कि है आपको यहाँ पे आपका नाम देना होगा, उसके बाद आपका ईमेल आईडी, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन एड्रेस जो है आपको यहाँ पे देना होगा, उसके बाद आपका स्टेट जो है सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपका पिन, देन प्लेस, डोमिक्लाइन, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका जो कि यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी, पार्मेंट एड्रेस, स्टेट, पिन, स्टेट, मोबाइल नंबर, जेंडर्स, सिटी। तो दोस्तों, इस तरह से इस पेज को आपको फिलअप करना होगा। तो मैं पहले इस पेज को फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसको मैं बताऊँगा। तो थोड़ा देर के लिए मैं इस वीडियो को जो कि मैं स्किप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसका जो नेक्स्ट पेज है उसको मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों, उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद उसका जो नेक्स्ट पेज आएगा कुछ इस तरह से। आपको यहाँ पे एजुकेशनल इंफॉर्मेशन आपका जो है आपके पास जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, तो आपको यहाँ पे जो सब कुछ फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्ज़ाम पास एड, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम, मंथ ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपको ये सब फुल फॉर्म करना होगा। उसके बाद आपको जो कि नेक्स्ट जो पेज है आपको उस पेज में आप जा सकते हैं। दोस्तों, ये फॉर्म भी मैं एक बार भर लेता हूँ, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पेज है मैं आप लोगों का उस पेज का जो डिटेल है मैं बात करूँगा। तो ये वीडियो देख थोड़ा देर के मैं स्किप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ बात करूँगा। तो दोस्तों, उसके बाद जो कि थर्ड पेज जो है यहाँ पे आपको नेम ऑफ एम्प्लॉयर। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका पेज का मतलब है अगर आप कोई भी काम किए हो इस पे एप्लीकेशन के पहले, अगर आप कोई भी आपका जॉब एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप उसका जॉब का जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे देना होगा। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, पब्लिक प्राइवेट जॉब, किस तरह से आप जॉब किए हो, डेजिग्नेशन आपका कौन सा पोस्ट रहे है, सैलरी पर मंथ
कितना सैलरी जो रहेगा फार्मा उसको भी देना होगा, कौन सा डेट से कौन सा डेट तक आप कर चुके हैं, आपका जो जॉब है नेम नेचर ऑफ ड्यूटीज परफॉर्म किस तरह का आपका परफॉर्म था ड्यूटीज में, रीजन ऑफ लिविंग सर्विस क्यों आप इसका जो जॉब है छोड़ दिया, तो सब कुछ यहाँ पे आपको बहुत देना होगा। तो दोस्तों जो जिसके पास ये जॉब एक्सपीरियंस है आप लोग वो दे सकते हैं, अगर जिसके पास नहीं है तो वो लोग नहीं अवॉइड कर सकते इसको। उसके बाद आप लोग जो नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना हो, नेक्स्ट में क्लिक कर देने के बाद एक लास्ट पेज जो कि आएगा यहाँ पे लैंग्वेज के, तो दोस्तों आपको यहाँ पे लैंग्वेज जो कि सिलेक्ट करना हो कौन सा लैंग्वेज में आप बात कर सकते लिख सकते और बोल सकते यहाँ पे आपको वो देना होगा। तो कौन सा लैंग्वेज में आप रीड कर सकते लिख सकते बोल सकते हो और फ्लुएंट जो बोल सकते आपको यहाँ पे वो देना होगा। तो उसका देने के बाद आपको आपको यहाँ पे जो कि स्पेसिफिक एरिया कौन सा एरिया में आप काम करना चाहते पसंद कर सकते एक रेफरेंस जो कि है आपको ये देना होगा। उसके बाद आपको जो फिनिश ऑप्शन है यहाँ पे आपको उसमें क्लिक कर देना, उसमें क्लिक करने के बाद आपका जो रिज्यूम है वो सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो बायोडाटा या मतलब आपका जो फॉर्म है इस तरह से अप्लाई जो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपका जो एप्लीकेशन कुछ कोई भी जॉब के साथ मैच करता है उसके बाद आपको जो कॉल करके पूछ कॉल करके एक इंटरव्यू या ग्रुप इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपको जो कि जॉब मिलेगा इस पोस्ट में। तो दोस्तों इस तरह से आप फेडरल बैंक जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है बहुत अच्छा जो बहुत एक रेपुटेटेड बैंक है, तो आप लोग अगर चाहते हैं तो इस बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, इफ़ लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मेरा जो कि पेज है फेसबुक इंस्टा एंड ट्विटर आप लोग वहाँ से जाके भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे को बोल सकते। तो थैंक यू फ्रेंड, आज की वीडियो इस अभी तक था, जो अगर पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।